तो भाइयों क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है सैटरडे और हर सैटरडे को हम लोग लेकर आते हैं स्पेशल OTT अपडेट की वीडियो। तो कई सारी फिल्मों की OTT अपडेट मेरे पास आ चुकी है जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना पूरी जानकारी के लिए। चैनल पर पहली बार आए हो जल्दी चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अभी तक मुझे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया जल्दी से फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट की, जिसका नाम है कल की 2898 AD। दोस्तों ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो चुकी है और फिल्म की पहले दिन की कमाई 190 करोड़ के आसपास है। और दोस्तों इस फिल्म की OTT डील के बारे में बात करें तो इस फिल्म के जो OTT राइट्स हैं वो अमेजॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स दोनों के पास हैं। अमेजॉन प्राइम वीडियो के पास इस फिल्म के साउथ इंडियन राइट्स हैं और नेटफ्लिक्स के पास इस फिल्म के हिंदी राइट्स हैं, और हिंदी वर्जन हमें 8 हफ्ते बाद देखने को मिलेगा, और जो साउथ इंडियन लैंग्वेज का रिलीज है वो 6 हफ्ते का रखा गया है, और 6 हफ्ते बाद ये हमें रेंटल बेसिस पे अमेजॉन प्राइम वीडियो में साउथ इंडियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी, उसके बाद ये हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों एक फिल्म द फैमिली स्टार जो साउथ इंडियन लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, अभी तक हिंदी में रिलीज नहीं हुई थी बट अब ये फिल्म 28 जून से हिंदी में रिलीज हो चुकी है जियो सिनेमा पर। अगर आप इसका वेट कर रहे थे तो अब आप इसे जियो सिनेमा पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि द गॉड लाइफ फिल्म कब OTT पर आएगी। तो आपको बता दो कि ये फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की जा रही है, और दोस्तों अगर ये नॉमिनेशन में सेलेक्ट हो जाती है तो ये फिल्म आपको जल्द OTT पर देखने को नहीं मिलेगी, लगभग 2 महीने के बाद ये फिर OTT पर रिलीज की जाएगी। अगर ये फिल्म ऑस्कर में नॉमिनेट नहीं होती है तो फिर ये फिल्म हमें जल्द ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई फिल्म हमारे 12 फिल्म के OTT के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो दोस्तों इस फिल्म की अभी तक कोई भी डील नहीं हुई है किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के साथ, बट अपडेट ये निकल के आ रही है कि ये फिल्म हमें 2 महीने के अंदर अंदर किसी ना किसी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कोई नई अपडेट आएगी हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर लेंगे। दोस्तों इसी के साथ साथ मुंजिया फिल्म की भी OTT रिलीज डेट लगभग कंफर्म हो चुकी है। इस फिल्म के जो OTT राइट्स हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास हैं, और इस फिल्म को अगस्त के 1st वीक में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे ही रिलीज डेट कंफर्म होगी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जट एंड जूलियट 3, जिसकी लीड में आपको दलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा देखने को मिल जाएंगे। इस फिल्म की जो OTT डील है वो चौपाल TV के साथ हुई है, और ये फिल्म हमें अक्टूबर के मंथ में चौपाल TV पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों जो लोग वेट कर रहे हैं श्रीकांत फिल्म का, उनके लिए खुशखबरी है कि इस फिल्म को 5 जुलाई से नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाएगा। ये न्यूज 99.9% कन्फर्म है, और जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट भी नेटफ्लिक्स की तरफ से कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों चंदू चैंपियन, दोस्तों इस फिल्म को प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है 1-2 वीडियो में, और इसका जो रिलीज है वो 8 वीक का था, और लगभग ये हमें 9 अगस्त के आसपास देखने को मिल जाएगी। बट न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि इसे 2 हफ्ते पहले ही रेंटल बेसिस पे प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों महाराजा, जो कि विजय सेतुपति की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, इस फिल्म की जो OTT राइट्स हैं वो नेटफ्लिक्स के पास हैं, और ये फिल्म हमें जुलाई के 2nd वीक में तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, और अभी हिंदी की अपडेट नहीं आई है बट लगभग चांस है कि इसे हिंदी लैंग्वेज में भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों एक नया रिलीज है जिसका नाम है कादुका, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज फिल्म है, जिसकी लीड में सोनाक्षी सिन्हा रितेश देशमुख देखने को मिल जाएंगे, और इस फिल्म का डायरेक्ट रिलीज होने जा रहा है G5 के प्लेटफॉर्म पर 12 जुलाई से। इसी के साथ साथ दोस्तों काफ़ी भाई कमेंट करते हैं कि ईगल फिल्म का कब हिंदी वर्जन रिलीज किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इसे
बिफोर यू पर रिलीज किया जाना है हिंदी में, और इसकी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो जुलाई और अगस्त के महीने की निकल के आ रही है। इन दोनों में से किसी एक महीने में आपको ये फिल्म हिंदी में बिफोर यू पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों इश्क विश्क रिबॉन्ड, दोस्तों इस फिल्म की अभी तक कोई OTT डील सामने नहीं आई है, यानी इस फिल्म को अभी तक किसी ने बाय नहीं किया है। जब बाय कर लिया जाएगा तब हम आपको बता देंगे कि ये फिल्म किस OTT प्लेटफॉर्म पर और कब रिलीज़ की जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों शबी फिल्म, जो कि एक हिंदी हॉरर थ्रिलर फिल्म थी, इस फिल्म को 28 जुलाई को या फिर 26 जुलाई को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, इस फिल्म को कब हिंदी में रिलीज़ किया जाएगा, तो आपको बता दूं कि इस फिल्म अगस्त के महीने में हिंदी में रिलीज़ किया जाएगा सैटेलाइट पर, यानी टीवी पर ये रिलीज़ होगी, और उसके बाद ये फिल्म आदित्य मूवीज़ यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ कर दी जाएगी सभी यूजर्स के लिए फ्री। इसी के साथ साथ दोस्तों भैया जी, दोस्तों इस फिल्म की अभी तक कोई भी OTT डील सामने नहीं आ रही है, कोई भी OTT डील नहीं हुई है। जैसे ही कोई अपडेट हमारे पास आएगी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों रुसलान फिल्म का भी यही हाल है, इसका भी दोस्तों कोई OTT प्लेटफॉर्म सामने नहीं आ रहा, अभी तक इसके भी राइट्स किसी ने बाय नहीं किए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आ जाएगी नहीं हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, फिलहाल आप इंतज़ार कीजिए। तो दोस्तों ये थी जो अपडेट मैंने आपके साथ शेयर की हैं फिल्मों की, जैसे ही मेरे पास और नई फिल्मों की अपडेट आ जाएंगी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। फिलहाल इसको आप इंजॉय कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।